तो कहानी शुरू होती है 1973 के राजस्थान से, जहां इलियाना डी क्रूज संजीव गांधी, ये कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो, हाँ तो इसको अपना महल दिखा रही है क्योंकि शी इज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, बट अपेरेंटली भाई साहब को किसी और चीज में इंटरेस्ट है, चमड़ी साला। तो ये बोलती है, ओमाए वा मो शिंदेइरु नानी। तो भाई साहब एक इंटॉलरेंट इंडियन की तरह हो जाते हैं ऑफेंड, इतना कि देश में इमरजेंसी ले आते हैं, वाह बेटा जली ना। और तो और इलियाना डी क्रूज के घर पे मिलिट्री भिजवा के, बमबार्डिंग करवा के, उसका सारा ब्लैक मनी स्लैश सोना जब्त करवा के इसे जेल भिजवा देते हैं। सही है बेटा। तो ये बोलती है, रुक तोहरी माँ का, अभी तो हम जवान केसरी को बुलाता है, रुक। ओके। तो फिर वहाँ अजय देवगन फालतू में पुलिस से राड़ा करके जेल पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि इलियाना डी क्रूज भी जेल में है। तो भाई साहब फ्लैशबैक में गायब। हाँ क्यों नहीं, आओ बताओ आओ। जहाँ पास्ट में इलियाना डी क्रूज का बाप टपक जाता है, तो ये अजय देवगन को बुला के बोलती है, साला सब के सब चोर है, तुम ही नहीं हो, बस तुम नहीं हो, आज से तुम हमारे पर्सनल बॉडीगार्ड। बट सिंस ये डिप्रेशन में है क्योंकि अब पूरा राजगद्दी संभालना है, तो रात को ये सुसाइड करने जा रही होती है कि अजय देवगन आके बोलता है, आज ससुरी सुसाइड करेगी, चल करवाता हूँ। और ये जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा के विमल के नशे में गाड़ी करवाता है क्रैश, और फिर इसे बचा के बोलता है, आया कल तुझे, आया कि नहीं आया रे। तो ये बोलती है, आ गया अकल आ गया, नहीं करेंगे सुसाइड, चलो मेकआउट करते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। एंड दोनों डैम दिस इज सो अनकंफर्टेबल। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और बस फिर गाना शुरू, जहां इलियाना डी क्रूज अजय देवगन को देख के कॉन्फिडेंट होके सुलह कराती है, एंड ऑलवेज रिमेंबर बाय द लॉज ऑफ बॉलीवुड दोनों सोलमेट्स बन जाते हैं बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग। एंड ये महल के रूफ पे ही। हाँ किसी को दिख तो रहा होगा नहीं, कंटिन्यू। एंड अ फ्लैशबैक। जहाँ मैडम जेल में भाषण दे रही है। मैडम यहाँ किस चीज के लिए इलेक्शन लड़ रही हो, अच्छी दाल के लिए? Yes. तो ये भाषण के बाद अजय देवगन को बोलती है, हमारा ससुर सोना सारा लूट लिया रे, हमारे लिए वापस चुरा लो ना। एंड भाई साहब विमल के नशे, मेरा मतलब प्यार में, प्यार में, प्यार के नशे में ये बोलते हैं कि श्योर बेब, एनीथिंग फॉर यू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो भाई साहब संजय मिश्रा को लेते हैं ये सनी लियोनी का आइटम डांस देखने के बाद कर रहे इमरान हाशमी को लेते हैं, बेचारे को हर मूवी में लौंडिया के पीछे पागल दिखाना जरूरी है क्या? Yes. और इलियाना डी क्रूज की पर्सनल असिस्टेंट ईशा गुप्ता को भी लेते हैं, तो इमरान चाशनी बोलता है, मारे जाओगे एक दिन। फिर एंट्री होती है आर्मी वाले कमांडो की, जो कि चरस गंगा मेरे को प्यारा। नाइस। पर इसका बटवा मार लेता है इमरान कहा सुनी, और फिर चेस शुरू, जहां आर्मी वाला कमांडो पार्कौर कर रहा है, इमरान ट्रैश में आराम से भाग रहा है। और आधे घंटे के चेस के बाद वहां अजय देवगन उसे रोक के बोलता है, आ बबुआ कहां भाग रहे हो रे, ये लो बटवा विमल खाते हो। पर कमांडो निकल जाता है, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस। एंड इमरान कैशमी बोलता है, मारे जाओगे एक दिन। पर वहां आर्मी जनरल इनके लिए 1970s के टाइम में, गौर से सुनिए, 1970s के टाइम में वर्ल्ड का सबसे हाईटेक ट्रक लेके आता है, विद डबल बैरल स्टील ऑटोमेटिक लॉकडाउन सिस्टम विद बुलेटप्रूफ शील्ड एंड अ लाल बटन ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस, यू नो। कहां से आ रहा है ये सब? आई डोंट नो। तो इन चारों की फट के चार, तो इनकी प्लानिंग शुरू कि गाड़ी के आगे आदमी लिटा देंगे, नहीं नहीं गाड़ी के आगे लौंडिया लिटा देंगे, नहीं 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 गाड़ी में लौंडिया डाल के गाड़ी को आगे लिटा देंगे, अरे नहीं 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 गाड़ी में लौंडिया डाल के गाड़ी को आग लगा के फिर गाड़ी को आगे लिटा देंगे। हाँ, और प्लान डन। Not a great plan.
तो प्लान के लिए शॉपिंग शुरू, पुलिस पे नजर रखना शुरू, एंड सिंस इमरान ससमे और ईशा गुप्ता साथ में एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों का फ्लर्टिंग भी शुरू, बिकॉज व्हाई नॉट। बट पुलिस को पहले से था शक, व्हाट द फक, तो इन्हें उठा के घर पे रेड मार के इनके सारे देसी कट्टे और पटाखे जब्त करवा के इन्हें जेल में डाल देते हैं। सारा प्लान चौपट। पर रात का टाइम है तो दोनों दरोगा जाते हैं नींद में लुढ़क, और संजय मिश्रा है लॉक एक्सपर्ट, तो ये ताला खोल के दोनों दरोगा को पेल के वहां से निकल पड़ते हैं हाईटेक ट्रक हाईजैक करने। तो अजय देवगन और इमरान मायामी ट्रक पे चढ़ के अंदर धुआं धुआं करके दोनों को बाहर निकाल के दोनों को पेल के आर्मी वालों से गोली गोली खेल के संजय मिश्रा जी को गोली लगवा के ट्रक लेके गायब। कहां का हाईटेक ट्रक है बे? नहीं कहां का है ये, मतलब बाकी सारी चीजों पे इतना खर्चा कर दिया कि गेट पे लॉक नहीं लगवाया। वाह बेटा वाह, मेरी गाड़ी में तो है, मेरी तो बाइक में भी लॉक है, अरे मेरी तो साइकिल में भी लॉक है बे। एंड प्लॉट ट्विस्ट, ससुरा इलियाना डी क्रूज और कमांडो वाला मिले हुए हैं। व्हाट द फक, ये कमांडो वाला भी मूवी के स्टार्ट वाले पार्टी में था और सब ड्रामा देख के बोलता है, अरे हम आपसे पहली बार मिले तो क्या हुआ, हम दोनों आज से सोलमेट, ठीक है अंगूठा लगवा लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंड ये दोनों जेल में ही भैया एक महान गायक ने कहा है, ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है। वहां संजय मिश्रा जी को गोली लगी है तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं दरोगा को डॉज करके जान पे खेल गए, क्योंकि भाई साहब को लगता है कि इलियाना मिल जाएगी एट लास्ट। ठीक है नहीं ठीक है, औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर। तो वहां ये हॉस्पिटल जाते हैं और सिंस रोमांस ऐड करना है तो इमरान महालक्ष्मी और ईशा गुप्ता फ्लर्ट कर रहे हैं। तुम किसी भी जगह किसी भी वक्त शुरू हो जाते हो। ओह यस। बट पुलिस आ जाती है वहां और ये दोनों मार लेते हैं कल्टी और संजय मिश्रा और अजय देवगन को उठा के ले जाते हैं ये दरोगा लोग, और लेके जाते भी हैं तो वेल लेट सेक्स चेंबर, मेरा मतलब टॉर्चर चेंबर में जहां ये सस्ता दरोगा पूछता है ट्रक कहां है ट्रक, तो इमरान पम्मी ट्रक सीधा वेल लेट सेक्स चेंबर टॉर्चर चेंबर में घुसा के बोलता है यार रहा ट्रक बहुत सड़ी का, तो इन लोगों को बांध के ये वहां से निकल जाते हैं। एंड देन सम मोर फ्लैशबैक्स जहां इलियाना डी क्रूज जाती है एक गांव में, पर गांव में नहीं मिलती है इज्जत, तो शी इज नाउ मैड, ये पॉइंट याद रखना वाइवा वगैरह में नहीं लूंगा, पर मूवी का पार्ट इंपॉर्टेंट है ना इसलिए याद रखना। वहां ये कमांडो वाले का प्लान इज सक्सेसफुल तो इलियाना इज नाउ आउट ऑफ जेल। वहां ये ट्रक ले जाते हैं चोरों के गांव में जहां संजय मिश्रा इस ट्रक लॉक को खोलने में हो रहा है बार बार फेलियर, पर आर्मी जनरल को पता चल जाता है कि ससुरा ई कमांडो भी इलियाना के साथ मिला हुआ है। oh, और यहाँ संजय मिश्रा ये महंगे वर्ल्ड का सबसे हाई टेक ट्रक विद डबल बैरल स्टील ऑटोमेटिक लॉकडाउन सिस्टम विद बुलेट प्रूफ शील्ड एंड लाल बटन फॉर इमरजेंसी पर्पस ओनली, उसका सेफ खोल देते हैं, घंटा हाईटेक के मेंशन। I know, right? और फिर ये चोरों के गांव में सारे के सारे सोने को पिघला के उसका कॉर्नफ्लेक्स बना देते हैं और इन्हें ऊंट पे डाल देते हैं। वाह। वहां अगले दिन ये जाते हैं इलियाना के पास उसे सोना देने और कमांडो इनका गन ले लेता है इनसे और इलियाना इन पे गन पॉइंट करके बोलती है चूतिया बनाया तेरे को लॉल। एंड वन मोर प्लॉट ट्विस्ट, अजय देवगन बोलता है सुन बे गेंडो, मेरे को पहले से ही पता था कि तू चूतिया काट रही है, मेरे को पता था कि तूने उस गांव में आग लगा दिया जो तेरी बेइज्जती की थी और तेरे इस कमांडो के साथ चल रहा है, और मैं क्रिस ब्राउन का ये गाना सुन लिया था पहले ही। एंड पता चलता है कि सोना मटके में नहीं है क्योंकि वो ऊंट डिलीवरी सिस्टम से आग पीड़ित गांव और बाकी के गरीब गांव में पहुंचा दिया गया है। एंड फिर एक और राड़ा शुरू, वहां आर्मी वाला आ जाता है, साथ साथ दरोगा भी आ जाता है, एंड फॉर सम रीजन सैंड स्टॉर्म भी आ जाता है, एंड मारपीट शुरू, पर राड़े के बीच में ये चारों गायब क्योंकि इमरान हगानी को गोली लग गई है और संजय मिश्रा को भी, लेकिन माइनर इंजरीज, और इमरान शाशिमी बोलता है मारे जाओगे एक दिन, और मूवी खत्म। इलियाना का क्या हुआ, कमांडो का क्या हुआ, उन चारों का क्या हुआ, और जो सोना ऊंट डिलीवरी सिस्टम से शायद ठीक से नहीं पहुंच पाया होगा उसका क्या हुआ, जानने के लिए अपने माथे को दीवार पे पटकते रहिए और पटकते ही जाइए, पटकिए
इस मूवी का नाम बादशाहों की जगह चोरों की चूतियागिरी फॉर सम चमड़ी मैटर फीचरिंग दुनिया का सबसे बकवास हाईटेक ट्रक होना चाहिए था, यू नो, बिकॉज लॉजिक जो फेल है। रपिया कई रंगून वहां से किया है तीन चार खून, तुम्हारी याद सताती है। सताती है होगी भाई, मेरे को क्या मालूम।